जीत की टीम यहाँ पे वापसी करते हुए थोड़े से हैरान परेशान में लगी हुई है। यहाँ पे सीलमपुर की टीम और इन्होंने ये बॉल कराई, ओ शॉट घुमा दिया है इन्होंने, लगता बाउंड्री की ओर जा रही है, मिसफील्डिंग करेंगे वहाँ, लेकिन कवर था पीछे, बॉल रोक ली। ऐसी फील्डिंग तो हमारे गली के छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं यहाँ पर, अपने हमारे आई ब्लॉक में जाओ ऐसे ऐसे टैलेंटेड बंदर मिलेंगे, उनको कुछ पूछने वाला नहीं है। दोनों टीम हमारी है, बिल्कुल सही कहा मुस्तफा भाई ने, दोनों टीम रिकॉर्ड का, तो हम तो सिर्फ यहाँ पर उनको दोनों टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए बैठे हैं। गुस्सा बंद करते हैं, नहीं रिकॉर्ड करता रहे। आपस में डिसीजन ले रहे किसने लिया, यहाँ पे थर्ड अंपायर की कमी खेलते हुए अंपायर यहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं, कभी छह कभी चार, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मक्कारी के फार्म भरे जाते हैं। ये मैच खेल रहे हैं और ये शोएब अख्तर आए लेकिन स्पिन करा रहे हैं लंबे बालों के साथ, और ये इन्होंने बॉल कराई, ओ मेरे जान क्या बात है, बढ़िया शॉट मारते हुए टेंट के ऊपर से, बहुत बढ़िया शॉट था, बहुत बढ़िया शॉट, ये बैट्समैन को छक्का बताते हुए यहाँ पे जो टेंट कमेंट में बैठे हुए हैं बैट्समैन को छक्का बताते हुए। यमुना T20 लीग चल रहा है यहाँ पे, जामा मस्जिद की दोनों टीमें आपस में संघर्ष करते हुए, एक रिकॉर्डिंग लिखा है ना मैच के, महेंद्र पूरे पागल कर रहे हैं, और ये स्पिनर ने अगले पीछे से हाथ घुमा के बॉल डाला और ये शॉट मारा स्टेट की, और ये चार रन, ये ब्लैक पट्टी पर लगती बॉल के साथ MTNL चार रन, बहुत ही महंगा हुआ, BSNL चौका, 6-6-4 16 रन, इससे पहला ओवर जो बॉलर थे बहुत बचे थे, लेकिन ये बॉलर जो आया कुत्ते की तरह पिटाया, कुत्ते की तरह पिटाया, इन्हें अपनी बॉलिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, 6-6-4 बॉलर थोड़े से घबरा गए अपने बालों के कॉन्फिडेंस के साथ, सर का पसीना पोंछते हुए, इन्हें अपने बालों पर कुछ करना चाहिए, सर का पसीना पोंछा इन्होंने, और ये अगली बॉल पे, उन्हें चांस मिलता हुआ इन्हें एक बात का पड़ेगा, जिस बंदे ने दो चौके एक छक्का मारा उसकी कैच छोड़ दी इन्होंने, लगता है इन्हें हर जाना भुगतना पड़ेगा, बहुत महंगी विकेट छोड़ी, बहुत ज्यादा तो मर गया, अभी तो उनकी तेरी पहले, ये बॉलर थोड़े खुन्नस में पीछे के हाथ से बॉल लेकर आया और इन्होंने शॉट घुमाया था, जबरदस्त और ये बाउंड्री चौका, यहाँ पे कीपर अपनी नकली फील्डिंग करते हुए कीपरिंग करते हुए बॉलर को इशारे से समझाते हुए ऑफ साइड पे डाल दिया, मिला भाई, यहाँ पे जो कमेंटर बैठे हुए शायद मिले हुए पाकिस्तान की टीम को हराने की सोचते हुए, यहाँ कमेंटर दोनों टीम तो वही है, कौन आ गया, सुनील पप्पू वहाँ बैठे हुए कमेंट्री कर रहे हैं, कप्तान सबकी तो कप्तान है, ये कोच आते हुए उधर से आप देख रहे हो, जो लेडीज आ रही है वो इन टीम की कोच है।